अपना लिया सौदा अपना कड़ो केम छो मजा मा। अरे मामा हरियाणा के हिसार की न्यू ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग और 5 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। मंगलवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता शोरूम संचालक संजय गुप्ता से मिलने के लिए उनके शोरूम पर पहुंचे और घटनाक्रम का जायजा लिया। इस दौरान DSP सत्यपाल यादव मौजूद रहे। दूसरी तरफ व्यापारियों ने एक बैठक कर 28 जून को मार्केट बंद करने का ऐलान कर दिया। के सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहाँ से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम SP को फोन किया, ADC भी फोन किया और पुलिस आई, SP साहब भी आए और ADC साहब ने कहा हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई। आज का आपने देखा हिसार के अंदर पहले फिरौती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। 50 लाख की फिरौती मॉल पर आई, 70 लाख की सच मोबाइल पर चोरी हुई, 20 लाख की राजगुरु मार्केट फिरौती, जगह जहाँ फिरौती का मामला। आज व्यापारी बह के साहब डर रहे हैं या क्या था? व्यापारी को डाके मार रहे, दुकानदारी कर रहा, 2,000 कमा लिए, 5,000 कमा, 10,000 कमा लिए, एक गाड़ी 20,000 कमा लेगा हैं। इतना पैसा लगा कर बैंक के ब्याज पूरे नहीं होते। आज स्थिति यह हो रही है, खुलने आम गलत काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, SP साहब भी लगे हुए हैं, ADG साहब भी लगे हुए हैं। हमें तसल्ली है कि जल्दी शाम तक कितनी देर का वक्त देते हैं? नहीं वक्त सुनो, उम्मीद जल्दी पकड़े जाएंगे, लगे रहे हैं, नाके लगा रखे हैं, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ। और मैं कहूँ पुलिस प्रशासन नहीं लगा, पुलिस चारों तरफ लगाया। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमें ढिलाई दिखेगी, पहला मार्केट बंद करूँगा, ऑटो मार्केट 3 मिनट का काम ही फोन करूँगा कि बंद हो जाएगी, सवेरे बंद कर देंगे और फिर शहर बंद कर देंगे। देखिए आपको पता है वो तो एक बार थोड़ा सा ऊपर ना ठीक नहीं है, फिरौती की पर्ची आई है, पैसे मांगे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे ये निकम्मे हैं ये लोग जो आजकल क्या है ना, सिस्टम बन गया युवाओं का, और फिरौती मांगना पर्ची फेंकना जो होते भी कर्जा मांग रहे हैं, कोई डर का मारी दे देगा। हालात कुछ नहीं है, इन बदमाशों का पक्का इलाज करने की जरूरत है। मेरी पुलिस अधिकारियों से सरकार से अपील है, इनका पक्का चीरा लगाना है, काम करे साले का सीधा सीधा सीधी कार भी बढ़ावे। गर्ग साहब एक क्वेश्चन की हुड्डा सरकार में जिस तरह इनकाउंटर किए गए थे, क्या उस तरह से दोबारा इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं? होने चाहिए। मैं इनकाउंटर नहीं बोलता, मैं चीरा बोलता हूँ। जो खूंखार अपराधी है, फिरौती मांगने वाले हैं, उसके चीज इलाज होना चाहिए। वो कानून के दायरे से मैं बाहर नहीं जा सकता, आप इशारा समझते हो। पक्का चीरा लगे, और मैं 10-20 का चीरा लग जाएगा, बदमाश ढूंढेंगे नहीं पाओगे, सड़क पर ही नहीं पाओगे। फिरौती मांगने से दूर ये तो जीप काट देंगे, 3 इंच बार बार जीप काट देंगे, कहने की बात थोड़ी है। बता दें कि सोमवार को महिंद्रा शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाश ने 30 राउंड के करीब गोलियां चलाई दी। वारदात के बाद बदमाश बड़े आराम से निकल गए। दरअसल हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकान में छिप गए। 2 बदमाश के हाथों में हथियार थे, यहाँ करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के शीशे भी गोली लगने से टूट गए। बदमाश ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी जिसमें 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार हिसार की न्यू मार्केट के इनेलो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम भगत गुप्ता का महिंद्रा गाड़ियों का शोरूम है। उनके बेटे संजय गुप्ता इनके संचालक है। यहाँ से सिटी थाना महज 200 मीटर दूर है। सोमवार दोपहर करीब 3 बदमाश 3 बजे एक बाइक पर सवार होकर शोरूम पहुंचे
उन्होंने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। दो बदमाश शोरूम के अंदर गए और काउंटर पर पर्ची फेंकी। इसके बाद बाहर आकर फायरिंग शुरू कर दी। एक एक कर यहाँ करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई। इसके बाद बदमाश बाइक से ही बरवाला चुंगी की तरफ फरार हो गए। वहीं शोरूम के काउंटर पर जो पर्ची फेंकी थी उसमें लिखा था, जय श्री राम, जय गौ माता, या तो 5 करोड़ रुपये तैयार कर लिए, नहीं तो शोरूम में बैठने वाला नहीं पावेगा। काला खेराम बुरिया, लालू खारिया, सनी खरड़िया, साजिद खान, सुरेश ठंडुरिया, भाऊ गैंग, नीरज बवाना गैंग, नीरज फरीदपुरिया, यानी पर्ची के माध्यम से इन्होंने साफ कर दिया कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया है। हालांकि जब तक शूटर पकड़े नहीं जाते तब तक इस पर्ची पर भरोसा करना सही नहीं होगा। खैर, फायरिंग के बीच लोगों ने गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचाई। बदमाशों के जाने के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद DSP सतपाल यादव और CTSHO मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बदमाश के मुंह ढके हुए थे जिस कारण इनकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस को इसमें किसी गैंग के होने का शक है। इसी बीच हिसार के SP मोहित हांडा भी मौके पर पहुंचे और वारदात का मुआयना कर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्ची की जांच कर रहे हैं और इनमें जो भी शामिल है और इस पर्ची में जो भी लिखा नाम है उनकी भी जांच कर रहे हैं। तो लगभग 3:15 बजे के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से उन व्यक्तियों की CCTV फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी हमें जो है इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में अंजाम नहीं दिए गए, बहुत ही आराम से किया होगा क्योंकि 50-40 के आसपास जो है राउंड फायर किए गए हैं। देखिए, सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाएंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, जो जो मौके पर साक्ष्य बरामद होंगे वो सारे देखे, बाकी जो इस एजेंसी के हैं और जो मार्केट के भी जितने नुमाइंदे हैं उन सबसे हमारी यही अपील है इन्वेस्टिगेशन में हमें सपोर्ट करें क्योंकि यहीं पे ही इसके आसपास हमें काफ़ी क्लूज मिलने की उम्मीद है और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिरौती की पर्ची भी फेंकी गई है, कितने की फिरौती मांगी गई है? देखिए, जो फिरौती है इसमें उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या है इसमें, किस प्रकार से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं और हर एस्पेक्ट को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमारा मेन पर्पस ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हो सकता है कोई चीज़ जेन्युइनली की जाए कोई सेंसेशन करने के लिए, इसीलिए मैंने आपके माध्यम से सबको अपील की है कि बिल्कुल कोई इसको हम सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे, टेक्निकली इन्वेस्टिगेट करके जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ें। SP ने कहा कि लगभग 3:15 बजे आकर बदमाश ने यह फायर किया। CCTV के आधार पर जितने भी सबूत हाथ लगे हैं उनसे बदमाश की पहचान की जा रही है। हमारी टीम इसमें लगी हुई है, जिन्होंने भी यह दुस्साहस किया है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहमामा, इस घटना के बाद पूरी ऑटो मार्केट में दहशत है। आसपास के दुकानों को बंद कर व्यापारी सड़क पर उतर गए हैं। व्यापारियों ने दिन दहाड़े इस वारदात की घटना होने पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। DSP सतपाल यादव ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही बदमाश पकड़े जाएंगे। तो मामा, आज के लिए बस इतना ही। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।